हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वैसे तो अगर हम बात करें जियो जियो अब एक ऐसा शब्द बन चुका है जो पिछले साल से ट्रेंडिंग में, अभी भी ट्रेंडिंग में और साथ आने वाले समय में भी ट्रेंडिंग में रहे। अगर जियो की बात करें तो जियो की ट्रेंडिंग में रहने की एक वजह भी है क्योंकि ये अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया ऑफर्स निकालती रहती है। अगर हम ऑफ़र की बात करें तो जैसे 300 वाला रिचार्ज, 399 वाला रिचार्ज जो है वो आपको 200 में, 250 में, 350 में रिचार्ज आपको मिल जाता है। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे अपना जियो फ़ोन जो लॉन्च किया इन्होंने वो 1500 रुपये में 4G फ़ोन लॉन्च कर दिया। और जियो फाई की बात करें तो इन्होंने 999 रुपये में जियो फाई लॉन्च किया। मतलब बहुत ही कम और कॉस्टली में और बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। इसी को देखते हुए जियो ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कह दिया है जिसे कहते हैं हम लोग जियो फाइबर ब्रॉडबैंड। ये पिछले कुछ दिनों में जियो फाइबर ब्रॉडबैंड लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग इसी वीडियो में यही बात करेंगे कि जो जियो फाइबर ब्रॉडबैंड लॉन्च हो रहा है ये आपको घर में लगवाने से आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे और ये है क्या चीज़ और इसमें आपस आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी कि इसमें आपको कोई एक निश्चित रुपीज़ दे करके रुपए तो लगवाने की जरूरत तो नहीं है। ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि आप मुझे मोटिवेट होगा और मुझे और इससे अच्छी वीडियो बनाने को मन करेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो कंपनी ने जियो फाइबर ब्रॉडबैंड लॉन्च करने के लिए कहा है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ब्रॉडबैंड होती क्या चीज़ है। ब्रॉडबैंड एक हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड डाटा आपको देती है जिससे कि आप छोटी से बड़ी फाइल बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दें। जैसे कि आपको जो अभी तक 13 MB, 16 MB कि Mbps की स्पीड मिल रही थी वो आपको यहाँ पर 100 Mbps की स्पीड मिलेगी जिसका आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जिसका पूरा नाम जियो ने अपना रखा है जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस। इसके तहत आपको ये लगवाना पड़ेगा। अगर आपका मन है तो आप ये लगवा सकते हैं। तो अगर आप इसको अपने घर पे लगवाते हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे ये भी मैं बताता हूँ। दोस्तों अगर आप इसको अपने घर पे लगवाते हैं तो आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। नंबर दो अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको अपने घर पे लगवाने पे जैसे कि आपको पर मंथ के हिसाब से 1000 रुपये से लगाकर 1500 रुपये मतलब 1000 से लगाकर के 1500 रुपये तक आपको इसको पर महीने रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और इसमें एक बढ़िया चीज़ ये है कि जो आपको FTTI के जरिए जो इसमें सुविधा प्रदान करी जाएगी इसमें आपको वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग भी आप इसमें आराम से कर सकते हैं। तो ये जो लॉन्च कर रही है जियो कंपनी, ये जियो कंपनी जियो फाइबर FTTP के साथ मिलकर के इसे कंपनी अपने मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च कर देगी क्योंकि ये जो 41 अभी थोड़े दिन पहले जो बैठक हुई थी इसमें ये कहा गया था कि जो जियो फाइबर लॉन्च करेगी ये बहुत ही जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। तो और हाँ इसके साथ साथ एक और न्यूज़ है कि जियो फोन जो अब लॉन्च हुआ था उसके साथ अब जियो फोन 2 लॉन्च होगा। इसकी सेपरेट वीडियो आपको कल पूरी मिल जाएगी कि जियो फोन 2 किस तरीके का है, देखने में कैसा लगेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और पूरा लुक आपको मैं दिखा दूंगा जो आपके कल सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। तो फिलहाल आज की जो वीडियो थी जो जियो फाइबर पे थी मैंने बता दिया कि इस पे आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्या चीज़ है और ये कब तक लॉन्च होगा। फिलहाल अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो अगर जब तक लॉन्च होगा तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बताकर आपको बता दूंगा कि कब ये लॉन्च होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बस वीडियो फिलहाल बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।